दोस्तों दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे हमारे देश में आम सोने की गाड़ियाँ और घड़ियाँ तो आपने पहले भी देखी सुनी होंगी लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है तो आखिर ऐसा क्या है दुबई में जो सोना इतना सस्ता और आम है आज हम आपको यही बताने वाले हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं जी हाँ सिटी ऑफ गोल्ड और ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के विकास में तेल और टूरिज्म का जितना बड़ा योगदान है लगभग उतना ही बड़ा योगदान गोल्ड का भी है जहाँ एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और आलिशान शोरूम मौजूद हैं, वहीं दुबई में एक मार्केट ऐसा भी है जिसके अंदर लगभग एक हजार से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं जो रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है जी हाँ हजारों किलो सोने का बिजनेस लेकिन इस मार्केट का नाम हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे तो वीडियो के साथ बने रहना अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई में इतना सोना कहाँ से आ रहा है और ऐसा क्या है कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है दरअसल दोस्तों दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इम्पोर्ट करता है और फिर उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है फिर दुबई की स्टैंप लगती है इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है दोस्तों दुबई में तैयार हुई ये ज्वेलरी इतनी प्योर और दिखने में खूबसूरत होती है कि ये ना सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं और इस तरह दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है दोस्तों पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा लगभग उनतीस प्रतिशत सिर्फ दुबई का ही होता है यहाँ सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि दुबई में गोल्ड सेक्टर में करीब चार हज़ार छियासी कंपनियाँ काम करती हैं कोरोना महामारी के चलते पिछले साल दुबई ने पाँच लाख बावन हज़ार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गोल्ड बेचा था अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी सोने का क्रेज़ लोगों के सर चढ़कर बोलता है शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड में निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं दुबई में भारतीयों के बाद गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान ब्रिटेन सऊदी अरब ओमान और कैनेडा के लोगों का है मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं कि आखिर दुबई का सोना दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है और कैसे ये सोने का इतना बड़ा मार्केट बन गया तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई एक नंबर पर है दुबई में जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वो सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है इसके अलावा हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेची जाने वाली हर गोल्ड की आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है और ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है यही नहीं अगर दोस्तों कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर मिलावटी सोना बेचता है तो उसे यू एंटी फ्रॉड लॉ के तहत दो साल तक की सजा या फिर दो करोड़ तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है अब दोस्तों दुबई में कानून कितने सख्त हैं ये आप जो दुबई गया हो उससे पूछ सकते हैं फाइन और सजा के डर से यहाँ नकली या फिर लो ग्रेड सोने का व्यापार ना के बराबर है इसके अलावा दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में बहुत सस्ता है जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बाकी देशों में सोने पर कई तरह के टैक्स लगते हैं जैसे इंडिया वेट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं लेकिन दुबई में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने पर सिर्फ पांच परसेंट वेट लगता है और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ है जिसका मतलब है कि 2018 के पहले दुबई से सोना खरीदना आज के मुकाबले और भी सस्ता था इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है साथ ही पूरे दुबई में सोने की कीमत या फिर भाव हर शॉप में एक ही होता है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस को फॉलो किया जाता है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको हर शॉप में जाकर गोल्ड प्राइस चेक या फिर नेगोशिएट करने का झंझट नहीं रहता हाँ दुबई में सोने की कीमत फ़िक्स जरूर है लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोलभाव कर सकते हैं लेकिन ये सब आभूषण के डिजाइन किस देश का डिजाइन है मशीन से बना है या हाथ से रिटेलर पर और हाँ आपके बार्गेनिंग टैलेंट पर भी निर्भर करता है और अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स कमाल के हैं तो हम आपको राय देंगे दुबई गोल्ड सूख में जाने की अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड सूख क्या है तो दोस्तों यही वो दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जिसके बारे में हमने कहा था कि आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे दोस्तों दुबई गोल्ड सूक जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है जिसमें हजार से भी ज्यादा दुकानें हैं इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि डेबास मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप्स भी रहती हैं यहाँ आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि शुद्धता की गारंटी हर शॉप देती है और यहाँ दुनिया भर के देशों से एक से एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है दूसरा दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है और कोई भी बट्टा नहीं काटा जाता अब आते हैं मुद्दे की बात पर अगर आप खुद दुबई जाएं, तो आप कितना सोना दुबई से ड्यूटी फ्री यानी कि बिना एक्स्ट्रा टैक्स दिए ला सकते हैं तो दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआई के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और एक वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है वो दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है लेकिन यह नहीं कि मन मुताबिक किलो के हिसाब से खरीदा और इंडिया में आकर बेच दिया इस पर भी लिमिट है और आप दुबई से कितना सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं आइए जानते हैं अगर आप पुरुष यात्री हैं, तो इसकी लिमिट 20 ग्राम है या फिर जिसकी कीमत पचास हजार रुपए से ज्यादा ना हो आप इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी अपने साथ ला सकते हैं और अगर आप एक महिला यात्री हैं, तो 40 ग्राम गोल्ड या फिर जिसका मूल्य एक लाख रुपए से ज्यादा ना हो इतने सोने के आभूषण आप ला सकते हैं यही नियम बच्चों पर भी लागू होता है और अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी जो पहले 10 परसेंट थी लेकिन अब बढ़कर साढ़े बारह परसेंट हो गई है लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मनचाहा सोना ला सकते हैं इसकी भी लिमिट है अगर आप दुबई में छह महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप एक किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं और अगर आप इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो एक्स्ट्रा सोने पर 36.05 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगेगी जो उस सोने को भारत के मुकाबले भी महंगा बना देगी तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है तो आप जब भी दुबई जाए गोल्ड शॉपिंग जरूर करें बस इतना ध्यान रखें कि आपकी खरीदारी का बिल अपने साथ रखें और हो सके तो गोल्ड पहनकर ही आएं और ज्यादा होशियार ना बने अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो उसे डिक्लेयर करें अगर अब भी आपके दिमाग में कोई सवाल या फिर कंफ्यूजन रह गई हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो लोग दुबई गए हो, वो बाकी लोगों के इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और दिल खोलकर शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद